राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, किसानों को सही दाम नहीं मिलता, युवाओं को काम नहीं मिलता। राहुल गांधी बुधवार को एक दिन के लिए ओडिशा दौरे पर पहुंचे और कहा, केंद्र राज्य सरकार ने जमीन जल और जंगल छीना। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को बेरोजगारी, किसानों की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी को जुमला राजा और उनके शासन को चौपट राज बताया है। राहुल ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी से जुड़ी एक खबर को शेयर करते हुए लिखा, किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा, युवाओं को सही काम नहीं मिल रहा, जुमले राजा के चौपट राज में किसी कर्मयोगी को सम्मान नहीं मिल रहा। राहुल बुधवार को ओडिशा के एक दिन के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने काला हांडी में सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के गरीबों और किसानों की उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए महज 17 रुपये प्रतिदिन जाने के फैसले को भाजपा ऐतिहासिक ऐलान बता रही है। राहुल गांधी ने कहा, मैं नागरिकों के खाते में 15 लाख देने का वादा नहीं करता, लेकिन मैं आश्वस्त जरूर करा सकता हूं कि कांग्रेस सभी गरीबों को न्यूनतम आय दिलाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने यहाँ के लोगों से जमीन, जल और जंगल छीन लिया है।